Hello, good morning students. As you know, we are going to complete our supplementary book and we are at the third chapter now. So today we are going to look at chapter 4, and that is the Pope and the Anthem. As you know, this is the chapter from an alien handbook, or you can say supplementary book. All right, so let's start the chapter. So the chapter begins with the line, "Sophie moved restlessly on his seat in Madison Square." Okay, so here is a कैरेक्टर नेम सोफी. सोफी नाम का यहाँ पे एक क्या है, लड़का है. और वो कहाँ पे बैठा हुआ है, मेडिसन स्क्वायर नाम का एक पार्क है. उस पार्क में वो बैठा हुआ है और बैठ के उसकी सीट पर वो बहुत ही रेस्टलेस है. रेस्टलेस का मतलब होता है बेचैन होना. बेचैनी से वो इधर उधर मूव कर रहा है, मतलब वो सीट पे बैठ के और किसी चीज के लिए सोच रहा है, जिससे उसे क्या हो रही है, बेचैनी हो रही है. अब उसकी बेचैनी का क्या रीजन है, दैट वी विल सी. देर आर सर्टेन साइंस टू शो दैट विंटर इज कमिंग. कुछ साइंस ऐसे थे उस टाइम पे जो ये दिखा रहे थे कि अब क्या आ चुकी है, सर्दियां आ चुकी है या सर्दियों का सीजन आ चुका है. बर्ड्स बिगिन टू फ्लाई साउथ. देखो कौन से साइन थे. सबसे पहला साइन था कि जो बर्ड्स थे ना, वो साउथ की तरफ फ्लाई करना शुरू कर चुके थे. पीपल वॉन्ट न्यू वॉर्म कोट्स. और जो लोग थे उन्होंने, मतलब वो क्या चाहते थे, नए वॉर्म कोट्स, मतलब गर्म कोट खरीदना स्टार्ट कर दिए थे. ठीक है, और उनकी जरूरत हो गई थी कि अब वो नए कोट पहने. एंड सोफी मूव्स रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन द पार्क. लेकिन ये भी एक साइन था कि सोफी, जैसे ही सर्दी आती थी तो सोफी क्या करने लगता था, वो थोड़ा रेस्टलेस हो जाता, थोड़ा सा बेचैन हो जाता था, अपनी सीट पे जहाँ पे जिस पार्क में वो बैठा है वहां पे वो मूव करने लगा. When you see this sign, you know that winter is near. जब तुम ये साइन देखो तो तुम्हें पता है कि विंटर नजदीक है, या विंटर का सीजन या सर्दियों का सीजन आने वाला है. A dead leaf fell at Sophie's feet. अचानक से क्या होता है, एक मुरझाई हुई या डेड जो पत्ती होती है वो सोफी के पैरों में गिरती है. दैट वॉज अ स्पेशल साइन फॉर हिम दैट विंटर वॉज कमिंग. और उसके लिए एक स्पेशल साइन था कि विंटर आ रही है. इट वॉज टाइम फॉर ऑल हु लिव्ड इन मेडिसन स्क्वायर टू प्रिपेयर. जो भी मेडिसन स्क्वायर जो था, सॉरी, मेडिसन स्क्वायर यहाँ पे एक प्लेस का नेम है, तो मेडिसन स्क्वायर में जो भी रहते थे, ठीक है, टाउन का नाम आप कह सकते हो, तो जो भी रहते थे उन सभी के लिए अब ये टाइम आ गया था कि वो सर्दियों की तैयारी कर लें, क्योंकि सर्दियों का सीजन आ चुका है, तो सर्दियों के अकॉर्डिंग वो अपने आप को तैयार कर लें. सोफीज माइंड नाउ रियलाइज्ड दैट फैक्ट. सो सोफी के माइंड ने अब उस फैक्ट को रियलाइज किया. अब कौन सी सच्चाई है जिसको उसके दिमाग में महसूस किया है, उसके दिमाग में सोचा, कौन सा टाइम है. द टाइम हैड कम ही हैड टू फाइंड सम वे टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर. देखो कौन सा फैक्ट है कि अब टाइम आ चुका है, ऐसे टाइम में उसे अपने आप का ख्याल रखने का तरीका ढूंढ लेना चाहिए. मतलब अभी वो अकेला बच्चा है, उसके पास कोई शेल्टर नहीं है, तो उसके दिमाग में ये आ रहा है कि अब सर्दियां आ गई हैं और उसे अपना ठिकाना ढूंढ लेना चाहिए. मतलब अपनी टेक केयर करने का जो भी रास्ता है उसे अब वो फाइंड आउट कर लेना चाहिए. एंड देयर फोर ही मूव रेस्टलेसली ऑन हिज सीट. और इसीलिए वो अपनी सीट पे बेचैनी से इधर उधर मूव हो रहा था या हिल रहा था. तो अब आपको रीजन समझ में आ गया होगा कि वो रेस्टलेस क्यों था, क्योंकि सर्दियों का सीजन आने वाला था और वो अकेला बच्चा था, उसके पास शेल्टर नहीं थी, रहने की जगह नहीं थी, और खाने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं थे, और गर्म कपड़े खरीदने के लिए उसके पास पैसे भी नहीं थे, इसलिए वो रेस्टलेस हो रहा था. अब देखो क्या होता है. सोफीज होप फॉर द विंटर वर नॉट वेरी हाई. सोफी की विंटर को लेके, या जो विंटर सीजन है उसको लेके बहुत ज्यादा हाई उम्मीद नहीं है. बहुत सारी उम्मीदें, मतलब या बड़ी उम्मीदें वो नहीं कर रहा है कि उसके पास क्या क्या होना चाहिए. लाइक ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ सेलिंग अवे ऑन अ शिप. वो ये नहीं सोच रहा है कि शिप में बैठ के वो कहीं दूर चला जाए. ठीक
ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ सदर्न स्काईज और द बे ऑफ नेपल्स. ओके, ये भी नहीं सोच रहा है कि बर्ड्स की तरह वो फ्लाई करके कहाँ चला जाए, सदर्न में चला जाए. मतलब जैसे जैसे ठंड बढ़ती है, नॉर्थ में ठंड होती है, सदर्न में क्या होता है, थोड़ा वार्म अप होता है तो थोड़ी गर्मी होती है. तो उसका ये भी प्लान नहीं है कि वो शिप में बैठ के कहीं और चला जाए या फिर वो सदर्न की तरफ चला जाए. तो ऐसा कोई हाई प्लान उसका नहीं है. उसका प्लान क्या है, 3 months इन द पिजन ऑन ब्लैकवेल्स आइलैंड वॉज वॉट ही वॉन्टेड. देखो उसका प्लान, देखो उसका प्लान क्या है कि वो ये सोच रहा है कि उसको अगर 3 महीने के लिए जेल में बंद कर दिया जाए तो वो अपना विंटर सीजन बहुत ही आराम से निकाल सकता है. तो वो ये सोच रहा है कि अगर उसे 3 महीने की कैद हो जाए और कौन से जेल में, कौन से प्रिजन में, ब्लैकवेल आइलैंड में. ठीक है, ब्लैकवेल आइलैंड प्रिजन में वो चाहता है कि वहां पर उसको जेल हो जाए और वो वहां पर जाकर अपने सर्दियों के 3 महीने स्पेंड करे. 3 months ऑफ फूड एवरी डे एंड अ बेड एवरी नाइट. 3 months safe from the cold north wind and safe from cops. वो ये भी सोच रहा है कि अगर उसे 3 महीने की जेल हो जाती है तो हर रोज उसे खाना मिलेगा, सोने के लिए एक बेड मिलेगा. और हाँ, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट उसके लिए क्या है कि जो कॉल्ड नॉर्थ विंड होगी ना, उससे उसका बचाव हो जाएगा. ठीक है, उससे उसकी सुरक्षा हो जाएगी क्योंकि उसके पास पहनने के लिए वार्म क्लॉथ्स नहीं थे. और कह रहा है कि उसे कोई कॉप भी नहीं पकड़ेगा. कॉप का मतलब यहाँ पे होती है पुलिस. ठीक है, पुलिस को हम कॉप कहते हैं. ओके, दिस इज वॉट सोफी वॉन्टेड मोस्ट इन द वर्ल्ड. दुनिया में जो सबसे ज्यादा सोफी आज चाहता है वो ये ही चाहता है कि उसे 3 महीने की जेल हो जाए. लेट्स सी. फॉर इयर्स ब्लैकवेल्स आइलैंड हैड बीन हिज विंटर होम. काफी सालों से ब्लैकवेल्स आइलैंड जो है उसका सर्दियों का घर बना हुआ है. मतलब वो काफी जो पिछली सर्दियां उसने बिताई हैं वो कहाँ पर बिताई हैं, ब्लैकवेल आइलैंड में, मतलब जेल में ही बिताई हैं उसने. तो वो ही उसका सर्दियों का घर रहा था. रिचर्स न्यूयॉर्क मेड देयर प्लान्स टू गो टू फ्लोरिडा और टू द शोर ऑफ मेडिटेरियन सी ईच विंटर. देखो जो अमीर लोग हैं, रिच, जो न्यूयॉर्क में क्या है, बहुत ही रिचर हैं, जो पैसे वाले हैं, वो लोग क्या करते हैं कि सर्दियों में फ्लोरिडा, ठीक है, या मेडिटेरियन सी जाने का प्लान बनाते हैं. सोफी मेड हिज स्मॉल प्लान्स फॉर गोइंग टू द आइलैंड. लेकिन सोफी ने तो अपना छोटा सा प्लान बनाया है आइलैंड जाने को ही. और आप समझ सकते हो कि यहाँ पे आइलैंड किसके लिए यूज हुआ है, एक जेल के लिए, प्रिजन के लिए. एंड नाउ द टाइम हैड कम. और अब उसका टाइम आ गया है. 3 big newspapers, some under his coat and some over his legs, had not kept him warm during the night in the park. पता है क्या कर रखा था इस बच्चे ने, सोफी ने क्या किया हुआ है, अपने कोट के नीचे और अपने जो भी उसने लोअर पहना हुआ है पेंट के नीचे, उसने न्यूज़पेपर डाले हुए हैं. ठीक है, ताकि वो अंदर से वार्म रह सके, अंदर से गर्म रह सके. लेकिन जो न्यूज़पेपर थे ना, वो न्यूज़पेपर उस ठंड से उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे थे. मतलब अब जो ठंड थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और उस ठंड के कारण उसको रात में ज़्यादा ठंड लगती है और वो न्यूज़पेपर उसे उस ठंड से उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं. सो सोफी वॉज थिंकिंग ऑफ द आइलैंड. इसीलिए सोफी अब किसके बारे में सोच रहा है, उस आइलैंड के बारे में सोच रहा है. आइलैंड आपको पता ही है, प्रिजन के बारे में सोच रहा है कि अगर काश वो प्रिजन में होता तो उसको ठंड नहीं लगती. देयर वर प्लेसेस इन द सिटी वेयर ही कुड गो एंड आस्क फॉर फूड एंड अ बेड. देखो सिटी में बहुत सारे प्लेसेज हैं जहाँ पर वो जा सकता है, जहाँ पर वो खाने के लिए पूछ सकता है और रहने के लिए भी पूछ सकता है. दीज वुड बी गिवन टू हिम. उसे ये भी पता है कि ये उसे मतलब मिल भी जाएंगे, दे दिए जाएंगे. बट ही कुड मूव फ्रॉम वन बिल्डिंग टू अनादर एंड ही वुड बी टेकन केयर ऑफ थ्रू द विंटर. अब देखो ये आलसी बच्चा है, थोड़ा सा लेजी बच्चा है. कह रहा है कि उसे खाना भी मिल जाएगा, उसे बेड भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में घूमना पड़ेगा, है ना, और क्या करना पड़ेगा. एंड ही वुड बी टेकन केयर ऑफ थ्रू द विंटर. और पूरे विंटर उसे अपने आप का ख्याल रखना पड़ेगा. ठीक है,
मतलब पूरे विंटर में उसे सारी चीजें खुद से मैनेज करनी पड़ेंगी, खुद का ख्याल खुद से ही रखना पड़ेगा और एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जाना पड़ेगा। तो इसे ये चीज पसंद नहीं आई, इसलिए ये सोच रहा है कि काश इसे क्या हो जाए, प्रिजन हो जाए, प्रिजन में चला जाए, जेल में चला जाए। बट ही लाइक ब्लैकवेल्स आइलैंड बेटर, इसीलिए पता है उसको ब्लैकवेल आइलैंड ज्यादा पसंद है, ब्लैकवेल आइलैंड जाना चाहता है वो। ओके, सोफीज स्प्रिट वॉज प्राउड। आपको पता है कि वो इस चीज के लिए गर्व महसूस करता है कि उसे जेल हो जाएगी। ठीक है, इफ ही वेंट टू एनी ऑफ दीज प्लेसेस देयर वर सर्टेन थिंग्स ही हैड टू डू। अगर इन प्लेसेस में अगर वो कहीं भी जाता है तो वहां पर उसे कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। कौन से प्लेसेस में? अगर इस आइलैंड के अलावा अगर वो और कहीं भी रहने के लिए जाता है तो उसे कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। इन वन और अनादर ही वुड हैव टू पे फॉर वॉट दे गेव ही, क्योंकि एक तरीके से या फिर दूसरे तरीके से उसे पे करना ही पड़ेगा। अगर उसे कोई भी कुछ देगा तो उसके बदले में या तो उसे काम करवाएंगे, ठीक है, या फिर कुछ भी ना, कुछ ना कुछ उसे, या फिर उसके पास पैसे होने चाहिए पे करने के लिए। तो कह रहा है कि एक या दूसरे तरीके से, मतलब अगर कोई उसे कुछ भी देता है तो उसे पे करना ही पड़ेगा। ओके, दे वुड नॉट आस्क हिम फॉर मनी, वो उसे पैसे के लिए नहीं पूछेंगे, बट दे वुड मेक हिम वॉश हिज हॉल बॉडी। ओके, एंड दे वुड मेक हिम आंसर क्वेश्चंस एंड दे वुड वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट हिज लाइफ। ठीक है, वो ऐसा भी नहीं कि वो पैसे ही मांगेंगे किसी चीज के लिए, बट इतना काम कराएंगे कि उसकी पूरी बॉडी वो सर्वे हो जाएगी, मतलब बहुत ज्यादा उसे पसीना आने वाला है काम करके। तो काम करके पसीना आने वाला है मतलब उसे बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा और उसको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर देने पड़ेंगे। और इसके अलावा दे वुड वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट हिज लाइफ, और उसकी लाइफ के बारे में उनको सब कुछ बताना पड़ेगा बिगिनिंग से लेके, कि कहाँ रहा, कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ, वो अकेला क्यों है, उसकी टेक केयर करने वाला कोई क्यों नहीं है। तो ये सारी चीजें उसे बतानी पड़ेंगी। नो प्रिजन वॉज बेटर देन दैट। ओके, तो उससे बेटर तो कोई प्रिजन हो ही नहीं सकता। किससे बेटर? मतलब लोगों के यहाँ पे जाके काम करो, मेहनत करो, ठीक है, उनके क्वेश्चन के आंसर दो। तो वो कह रहा है कि प्रिजन तो असल में प्रिजन तो वो है कि बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर देने पड़ेंगे, ठीक है, वो कहाँ से आया, क्या कर रहा है, क्या फिर रहता है, वो सारी ये चीजें बतानी पड़ेंगी। ठीक है, तो वो उस चीज को प्रिजन समझ रहा है। ठीक है, द प्रिजन हैड रूल्स दैट ही वुड हैव टू फॉलो। देखो, प्रिजन्स के कुछ रूल होते हैं जो उसे फॉलो करने पड़ेंगे, बट इन प्रिजन अ जेंटलमैन्स ऑन लाइफ वॉज स्टिल हिज ओन ऑन। लेकिन प्रिजन में एक जेंटलमैन की लाइफ ना, खुद की लाइफ खुद की ही होती है। ऐसा नहीं होता कि तुम्हें कोई इंस्ट्रिक्ट कर रहा है, तुम्हारी लाइफ में कोई इंटरफेयर कर रहा है, ये इस बच्चे को लग रहा है कि खुद की लाइफ खुद के तरीके से ही जी जाती है। सोफी हैविंग डिसाइडेड टू गो टू द आईलैंड एट वंस बिगेन टू मूव टुवर्ड्स हिज डिजायर। सोफी जैसे कि वो डिसाइड कर चुका था कि वो जेल जाकर ही रहेगा, तो अपने प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए या अपनी डिजायर को कंप्लीट करने के लिए वो अपना कदम आगे बढ़ाता है। देर वर मैनी इजी वेज ऑफ डूइंग दिस, या इस काम को करने के लिए बहुत सारे उसे आसान तरीके भी पता था कि जेल में कैसे जाया जाता है। द मोस्ट प्लेजेंट वे वॉज टू गो एंड हैव अ गुड डिनर एट सम ऑफ फाइन रेस्टोरेंट। सबसे अच्छा तरीका था कि किसी भी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाओ और वहां का अच्छा सा खाना खा लो। देन ही वुड से दैट ही हैड नो मनी टू पे, और उसके बाद वो ये कहेगा कि उसके पास पे करने के लिए पैसे नहीं है। एंड देन अ कॉप वुड बी कॉल्ड, और उसके बाद एक पुलिस वाले को बुलाया जाएगा। इट वुड ऑल बी डन वेरी क्वाइटली, और ये सारी चीजें बहुत ही क्वाइटली हो जाएंगी, इतना हंगामा भी नहीं होगा, शोर शराबा भी नहीं होगा, बहुत ही क्वाइटली ये सारी चीजें हो जाएंगी। एंड द कॉप वुड अरेस्ट हिम, और कॉप जो पुलिस वाला है वो आएगा और उसको अरेस्ट कर लेगा। ही वुड बी टेकन टू अ जज, और उसके बाद उसको एक जज के पास लेकर जाया जाएगा। द जज वुड डू द रेस्ट, और बाकी काम तो कौन कर देगा, जज अपने आप ही कर देगा। मतलब उसको जो महीने की सजा सुनाएगा, ठीक है, जो जेल में भेजेगा वो कौन भेजेगा, जज भेजेगा। तो कह रहे कि बाकी काम तो जज अपने आप ही कर देगा। सोफी लैफ्ट हिज सीट एंड वॉक स्लोली आउट ऑफ द मेडिसन स्क्वायर टू द प्लेस वेयर द ग्रेट स्ट्रीट कॉल्ड बोर्डवे एंड
का मेन्यू मीट। ओके, अब सोफी जो है जल्दी से अपना सीट छोड़ देता है और वहां से स्लोली स्लोली जाता है, ठीक है। और कहाँ जाता है, वो एक ऐसे प्लेस पे जाता है, टू द प्लेस वे हैव द ग्रेट स्ट्रीट कॉल्ड ब्रॉडवे एंड फिफ्थ एवेन्यू मीट। ओके, तो वहां पर एक फेमस, एक कह सकते हो ग्रेट स्ट्रीट है जिसका नाम क्या बोला गया है, ब्रॉडवे, वहां पर वो जाता है, ठीक है। और वहां पर जाके वो क्या करेगा, दैट वी विल सी। ओके, और ये कहाँ पर है, फिफ्थ एवेन्यू मीट पे। ही वेंट अक्रॉस दिस वाइड स्पेस एंड स्टार्टेड नॉर्थ ऑन ब्रॉडवे, ठीक है। ही वेंट अक्रॉस दिस वाइड स्पेस एंड स्टार्टेड नॉर्थ ऑन ब्रॉडवे। ओके, तो वो मतलब इस साइड में होता है और उसके जो नॉर्थ वे होता है उसके तरफ चलने लगता है, उसके उस साइड में जाता है और उसके जो बोर्ड वे था ना उसके नॉर्थ साइड में, या आप कह सकते हो नॉर्थ डायरेक्शन में वो चलना शुरू कर देता है। या ही स्टॉप्ड एट अ लार्ज एंड ब्राइटली लाइटेड रेस्टोरेंट, और उसके बाद वो एक बहुत ही बड़े और चारों उसमें क्या लगी हुई थी, बहुत ही सारी लाइट लगी हुई थी, तो बहुत ही ज्यादा ब्राइटन था, तो बहुत ही बड़े और बहुत ही ब्राइटन वाले रेस्टोरेंट पे जाके वो रुक जाता है। ओके, दिस वॉज वेयर द बेस्ट फूड एंड द बेस्ट पीपल इन द बेस्ट क्लोथ्स अपीयर्ड एवरी इवनिंग। ये ऐसा प्लेस था जहां पर यहाँ के जो एरिया का बेस्ट फूड मिलता है और यहाँ के जो बेस्ट लोग होते हैं, जो सबसे ऊंचे लोग होते हैं, वो इस रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आते हैं अपने बेस्ट क्लोथ्स में, ठीक है, अपने जो आप कह सकते हो बहुत ही ढंगे कपड़े या बहुत ही अच्छे रोब्स में वो पहनकर हर इवनिंग यहाँ पर खाना खाने के लिए आते थे। सोफी बिलीव दैट द अबो हिज लेग्स ही लुक्ड ऑलराइट। सोफी को ये तो विश्वास था कि लेग से ऊपर वाला जो जो भी उसने कुछ पहना हुआ है वो सारा ऑलराइट था, वो ठीक था, दिखने में अच्छा था। एंड हिज फेस वॉज क्लीन, उसका जो फेस था वो भी कैसा था, क्लीन था। हिज कोट वॉज गुड इनफ, और उसने जो कोट पहना हुआ था वो भी एंटर करने के लिए काफी सही लग रहा था। If he could get to a table, he believed that success would be his. उसे लग रहा था कि एक बार बस वो टेबल के पास पहुंच गया था तो उसके बाद तो सक्सेस उसकी ही होगी, मतलब उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। ओके, नेक्स्ट लाइन है The part of him that would be seen above the table would look all right. क्योंकि अब टेबल के ऊपर का जो पार्ट उसे दिखेगा, उसने ये कहा कि एक बार बस टेबल तक पहुंच जाए और उसके बाद टेबल के ऊपर से जो भी पार्ट दिखेगा, क्या दिखेगा, आपने जो अपने पहना हुआ है, आपने जो भी कोट पहना हुआ है, आपके अपर क्लोथ्स ही तो दिखने वाले हैं ना, तो उसको लग रहा है कि एक बार टेबल तक पहुंच जाए उसके बाद तो ऊपर वाला जो भी उसने ड्रेसअप पहना हुआ है, ड्रेस सेंस है, वो ऑल राइट है, उसका सारा ठीक है, तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। द वेटर वुड ब्रिंग हिम वोट ही asked for, और उसके बाद तो वेटर जो भी वो चीज मंगवाएगा वेटर सारी चीज उसे लाकर देगा। He began thinking of what he would like to eat, और वो इस तरह से क्या करता है, सोचना शुरू कर देता है कि रेस्टोरेंट में जाकर वो क्या खाना पसंद करेगा। ओके, इन हिज माइंड ही कुड सी द होल डिनर, अपने दिमाग में वो पूरे डिनर को इमेजिन कर पा रहा था, पूरे डिनर के बारे में सोच पा रहा था कि वो क्या खाने वाला है। द कॉस्ट वुड नॉट बी टू हाई, उसकी कॉस्ट जो होगी वो बहुत ज्यादा हाई नहीं होगी। ही डिड नॉट वॉन्ट टू द रेस्टोरेंट पीपल टू फील एनी रियल एंगर, वो ये भी नहीं चाहता था कि रेस्टोरेंट के लोगों को एक रियल वाला गुस्सा आए या ठीक है एक रियल एंगर को वो फील करे, ये चीज भी वो नहीं चाहता था। बट द डिनर वुड लीव हिम फील्ड एंड हैप्पी फॉर द जर्नी टू हिज विंटर होम, लेकिन जो डिनर वो खाएगा ना वो डिनर जो है वो उसकी जो विंटर का हैप्पी होम होगा ना उसकी जर्नी को फुलफिल कर देगा, उसकी जर्नी को कंप्लीट कर देगा, तो वो अभी से सपने देखना शुरू कर देता है। But as Sophie put his foot inside the restaurant door, the head waiter saw his broken old shoes and torn clothes.